अब तो तुमने आती ही कर दी कली। तुम्हारे इस उपहास का प्रत्युत्तर तो अब देना ही होगा। अपने शक्ति से तुम्हें अवगत कराना ही होगा। शक्ति है युद्ध की आकांक्षा नहीं मुझे इंद्र, समय की गंभीरता को समझो। जाओ उस बालिका को ढूंढो, अगर ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार कर लूंगा, और यदि ना ढूंढ पाए तो तुम्हें मेरे समक्ष आकर अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी, और तब मैं बताऊंगा आगे का मार्ग और करना क्या है। संसार का आधार है वैष्णो माता, ममता रूपी सार है वैष्णो माता। अब तब हम देखेंगे किसका कितना है प्रभुत्व और किसका कितना है वर्चस्व। यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो स्वीकार है मुझे। अब लंबी अवधि तक हमारी भेंट नहीं होगी। ये तो काल ही बताएगा इंद्रदेव। संसार का आधार है इतनी ठंड है, थोड़ा धीरे भैये पवन देव। जब लहर चलती तो वहाँ महल में अंगीठी चलवा देती है, किंतु यहाँ तो मेरे पास बस यही वस्त्र है। थोड़ा धीरे भैये पवन देव, क्यों एक बच्चे को कष्ट दे रहे हैं। देख रहे हैं नारायण, पंचदेव भले ही आपके अधीन है परंतु मेरी वैष्णवी के अनुरोध की उपेक्षा पवन देव भी नहीं कर सकते। देवी, हम भले ही सृष्टि के पालन करता है किंतु वैष्णवी तो माता रानी है। ये समस्त सृष्टि उनकी दया, उनकी ममता के अधीन है। उनको अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनके कामना मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। किंतु उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने अनुरोध का मार्ग चुना है। ये पथ तो चंद्र की भूख जैसा है, कब से हम चल रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब पहुंचेंगे हम गांव। उधर तो गोरैया अपना घर बनाती हैं। कहीं हमारी तरह तुम भी तो अपने घर से छुप के नहीं आई हो। चलो तुम्हें घर पहुंचा देते हैं।
इस बार पक्का लगेगा फल पर, और जब फल गिरेगा तब हम सब मिल बांट कर खाएंगे। अभी तक फल गिरा भी नहीं और तुम बांट के खाने भी लगे? सपना नहीं, लक्ष्य पे ध्यान दो, पहले फल गिराओ। अरे गिर जाएंगे फल, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम बस चुप रहो। सब अच्छा होगा कहकर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, एक भी पत्थर ढंग से मारा ही नहीं जा रहा है, व्यर्थ का प्रयास है ये, कोई फल वल नहीं मिलने वाला। अरे ओ दुखिया रे बेचारे, जब भी मुंह खोलेगा ना अशुभ ही बोलेगा, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। और वैसे भी अभी तो मैंने ढंग से प्रयास भी नहीं किया है और तूने अभी पराजय स्वीकार कर ली। दादी माँ कहती है यदि प्रयास करे तो माता रानी जी भी मिल जाती है, ये तो मात्र एक फल है, तू भयभीत हो ना चोर, और बस थोड़े अच्छे से पत्थर लेके आ। हाँ हाँ जाता हूँ। ना रोचक है इनका जीवन, ऐसा महल में क्यों नहीं होता? धैर्य रखो रेचक धैर्य। वो आ रही है, कौन? रुको, चलो भागो। रुको, अरे अरे किधर भाग रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा, हवा चल रही है और ये दोनों भी चल रहे हैं आपके साथ। और तुम दोनों क्या इनके अंगरक्षक बन के हो क्या? जब देखो इसके साथ घूमते रहते हो। बातें बनाना बंद करो, सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रहे थे तुम तीनों यहाँ पर? प्रतीत होता है जैसे सेनापति महिपाल अपने सैनिकों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लड़की इन लड़कों का ध्यान रखती है। वो मैंने कहा था इनको कि मत करो, पर ये बस बहुत हो गया, भूल तुम तीनों की है तो दंड भी तुम तीनों को ही मिलेगा। मारी कोई भूल नहीं है, भूख लगी थी इसलिए फल तोड़ने आए थे। आज भी भोजन में मात्र आधी रोटी मिली, वो भी माँ के हिस्से से। अच्छा चलो ये फल वल तोड़ना छोड़कर हम एक खेल खेलते हैं। क्या है ये? मुझे भूख लगी है, फल चाहिए, ये बेकार खेल नहीं। ये बेकार का खेल नहीं है, फल चाहिए ना तो हम माता रानी की आरती करेंगे, उन्हें भोग चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तब देखना ढेर सारे फल मिलेंगे। माता रानी से सच्चे मन से मांगोगे तो अवश्य मिलेगा। अरे अरे तो प्रतीक्षा किस बात की, शीघ्र करो। जितनी शीघ्रता से आरती करेंगे और भोग चढ़ाएंगे तो माता रानी हमें ढेर सारे फल देंगी। बन गया माता रानी का आसन, अब मांगो क्या मांगना है? माता रानी यदि हो पाता तो आपको भोग में अवश्य लड्डू चढ़ाते, अभी तो हम अपनी प्रार्थनाओं का ही चढ़ावा दे पाएंगे। माता रानी हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ के फल गिरा दो, हम सब मिल बांट के खा लेंगे, हमारे मित्रों को भूख लगी है। मुझे तो पहले ही पता था इस खेल से कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार है। देवी अब देख रही है माता रानी की लीला, कि सहजता के साथ उन्होंने बच्चों की इच्छा की पूर्ति कर दी। कौन हो तुम?